हर हर महादेव। तो दोस्तों आप सबका स्वागत हमारे न्यू ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या ये सोनिका बताएगी। जी सोनिका मैं क्या बताऊंगी स्पेशल यार। जो है कहाँ जा रहे हो आप आज? हाँ तो सोनिका जा रही है स्कूल और मैं भी स्कूल जा रहा हूँ। तो सबसे अच्छी बात है कि सोनिका की जो नौकरी है ज्वाइनिंग है वो हो चुकी है और मेरे ही स्कूल के साथ स्कूल है वहाँ हुई है। बड़ी अच्छी लोकेशन है वहाँ की भी। तो बेसब्री से इंतजार था सोनिका को मैं कब ज्वाइन करूँ। 3-4 सालों से बिल्कुल दिन रात मेहनत का फल अंततः जो है मिलने की ओर बड़ा है और इसको जो सफलता प्राप्त हुई है माँ भगवती पीताम्बरा और महादेव की अनुकंपा से और उनकी शुभाशीष और हमारे माता पिता इसके सोनिका के माता पिता और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से। ये सफलता का दौर था वो बड़ा ही संघर्ष मेरा है। वो संघर्ष जिसको सोनिका ज़्यादा जानती है मैं कम, लेकिन मैं उसको फील कर सकता हूँ। क्योंकि नौकरी जो आदमी दिन रात पढ़ता है उसके लिए नौकरी क्या है वो ही जान सकता है। क्योंकि वैसी फीलिंग कभी ऐसे आ ही नहीं सकती जो उस संघर्ष में नहीं गुजरा है। जो संघर्ष में गुजरे उनको पता है। 9 महीने पहले सब कुछ आया था रिजल्ट, लेकिन उसके बाद भी कोर्ट केस में भर्ती फंसती है बेकार में, जिसका कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तब भी उस संघर्ष को जूझ कर आज 9 महीने बाद साल बाद ज्वाइनिंग हुई है। ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसोलगढ़ में हुई है और अंडर कॉम्प्लेक्स GMS घिवा जो है स्कूल सोनिका को मिला है। तो इसीलिए दोस्तों संघर्ष को छोड़ना नहीं चाहिए इंसान को। और आगे सोनिका बताइए कैसा फील कर रही है पहला दिन स्कूल का? बहुत अच्छा लग रहा है, अब जाके पता चलेगा। नहीं वो तो जाके लगेगा, लेकिन अभी क्या फीलिंग है? बस अच्छा लग रहा है। बस अच्छा लग रहा है इतना संघर्ष करने वाले हैं और कोई शब्द नहीं। संघर्ष तो कितना खतरनाक है वो तो मैं जान सकती हूँ, आप जान सकते हैं, मेरी मम्मी डैडी जान सकते हैं जिन्होंने इतना ज़्यादा किया है। बड़े दीदी जान सकते हैं। हाँ बड़े दीदी, उनको मेरी हर एक बात, हर एक मतलब सब कुछ पता है। ये तो है, उनका भी योगदान बहुत है। दीदी तीनों दीदियों का भी हमारे हर एक दोनों फैमिलीज का आपका मेरा तो नहीं है, मेरा तो तनिक नहीं है। अच्छा तो ये था दोस्तों, एक जब व्यक्ति नेट सेट बहुत बार निकालने के बाद भी एक नौकरी के लिए, छोटी तो नौकरी कोई नहीं होती लेकिन तब भी जूझता तो उसे बहुत दुख भी लगता है। मैं पहले भी कर रही थी पर एक रेगुलर होता है ये रेगुलर जॉब है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। संघर्ष तो शुरू हुआ है। हाँ मैं तो यही कहता था, पहले भी कहता था, अब भी कहूँगा कि जो नौकरी है वो बहुत ज़्यादा संघर्षशील होती है। उसमें जो संघर्ष करना पड़ता है वो कहीं नहीं। लेकिन आदमी की जब इच्छा होती है पहले कि मुझे नौकरी मिले वो मिल जाती है, लेकिन उसके बाद का जो संघर्ष आरंभ होता है, परिवार की जिम्मेवारियाँ, घर की, समाज की, उस स्कूल की, विद्यालय की, उस प्रांगण की, वो सब कुछ देखना पड़ता है। इसलिए संघर्ष आरंभ हुआ है, लेकिन उस संघर्ष को आप अगर आनंद से जाएंगे तो उसमें आनंदित ही होंगे। अगर उस संघर्ष में थोड़ा सा दुखी होंगे तो और दुख बढ़ेगा। इसलिए संघर्ष को सुख से यापन करें, यही कहूँगा। क्यों सोनिका क्या कहना चाहते हैं आप? संघर्ष करने के बाद सफलता मिले तो वो मजा ही कुछ और है। स्ट्रगल तो कितने सालों से कर रहे हैं। आने वाला सोचता मुझे जॉब मिले, जॉब मिल जाए तो सोचता मुझे कहीं बढ़िया से स्कूल मिले फिर मुझे ये मिले। मैं तो बोलता हूँ कि नौकरी मिल जाए तो उसके बाद कुछ मत सोचिए। जहाँ सरकार ने आपको भेजा वहाँ पर बढ़िया से जी जान लगा के पढ़ाइए। और आप सभी
दर्शकों का भी कोटि कोटि आभार, आप सबकी जो शुभकामनाएं थी उस समय समय पर मिलती रही उसका भी योगदान हमें ले रहा है, इसलिए आप सबका धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को भी। क्या सोनिका, चलो ठीक है फिर दोस्तों मिलते हैं बाद में। मम्मी ने बोला है जाते हुए बातें नहीं करनी है, ध्यान से गाड़ी चलानी है। नमस्ते महादेव, दिखाते हैं स्कूल जाके।